तो ये लोड करना है सामान, बस लोड। फाइनली 2 दिन के राइड के बाद, और आज फाइनली वो दिन था जब ये मेरा एक ड्रीम पूरा होने वाला था। हजारीबाग पहुंच गए हम, यस। सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह के अभी 5:30 हो रहे हैं एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो कल जहाँ पे हमने स्टॉप किया था ब्लॉग को, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो आज हमारी जर्नी रहेगी सुंदरगढ़ से वाया रांची होते हुए हजारीबाग, एंड टोटल डिस्टेंस इज अराउंड 350 किलोमीटर। और रांची, यहाँ पहले हम टारगेट करेंगे रांची के लिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ क्या कि सारा सामान हमने कल जो भी बिखेरा था वो सब पैक कर लिया है। ये अपना पूरा फुल है एंड श्रेयस गेटिंग रेडी, वो रेडी हो रही है। और ये अपना साइडल बैग भी ऑलमोस्ट पैक है, और ये सुबह सुबह लिपस्टिक लगा रही है। वाह गाइस, तो क्या बहुत हार्ड कहीं लिखा है कि सुबह सुबह लिपस्टिक नहीं लगाना है? नहीं, कहीं लिखा नहीं है यार। रात में मैं सोया नहीं हूँ, ये तो आज सोई है, मस्त नींद आई है इसे। और मैं अच्छे से नहीं सोया हूँ, एकदम हल्के नींद में सोया हूँ, वो भी मुश्किल से 2-3 घंटे ही सो पाया होगा, मतलब 1.5 से 2 घंटे। तो नींद नहीं आई। तो आज हम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं, और वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको मैं कि बाइक ने कितनी माइलेज दी और कितने का खर्चा आया, मतलब पेट्रोल वगैरह का कितना मैंने डलवाया, एवरेज कितने का मिला। और एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सामान मैं लेके आया था अपने बाइक के लिए, लाइक लुब्रिकेंट लेके आया था, क्लीनर लेके आया था, तो अभी मैं ल्यूब भी करूँगा क्योंकि ल्यूब करना ज़रूरी है। क्लीन नहीं करूँगा अभी मैं, क्योंकि क्लीन करने की नीड नहीं है, वो घर जाके कर लेंगे। ल्यूब इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ल्यूब कर लेंगे बस अभी। तो चलते हैं फटाफट से नीचे एंड लोड करते हैं सामान को वापस से और निकलते हैं यहाँ से। और एक चीज़ और, मैंने मैप देखो सारा ऑफलाइन डाउनलोड कर रखा है, तो पूरी जर्नी में मैंने ऐसे ही किया है, ऑफलाइन ही डाउनलोड किया है पूरा मैप। और हाँ, बैटरी इससे ना थोड़ा बचता है, और क्या, रास्ते में कभी कभी अगर नेट की प्रॉब्लम हुई तो ऑफलाइन डाउनलोड कर रखा है, तो इससे दिक्कत नहीं आती है। ल्यूब कर लेते हैं इसको पहले, क्योंकि हाँ अभी लंबा भी चलना है, थोड़ी चेन से आवाज़ नहीं आया, तो ल्यूब कर लेते हैं पहले, हल्के हल्के करना है। क्लीन तो नहीं है ना ल्यूब? नहीं नहीं, क्लीन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ल्यूब कर ले रहे हैं। क्लीन घर जाके कर लेंगे आराम से, स्कूल कर लेते हैं ल्यूब कर लेंगे। तो ये लोड करना है सामान, बस लोड करते हैं और निकलते हैं हम लोग बस। तो निकला जाए अभी यहाँ से, हर हर महादेव। तो फाइनली अपनी ट्रिप स्टार्ट हो रही है अब D3 की, और टाइम एग्जैक्टली अभी हो रहा है 6:12। तो वापस से हमने संबलपुर वाला हाईवे ले लिया है, और हम लोग रात में होटल सिटी पैलेस में रुके थे जो कि सुंदरगढ़ में है, और खाना वहाँ पे अच्छा था। रेस्टोरेंट उनके जस्ट फ्लोर के ऊपर ही है, और नीचे ट्रेंड्स है, रिलायंस ट्रेंड्स, तो शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो आप अगर कोई चाहे तो। तो बढ़िया था सर्विस एंड ऑल। अभी जो रूट प्लानिंग है वो ऐसा कुछ है कि यहाँ से ये वाला हाईवे पकड़ के कुतरा रांची मोड़ तक जाएंगे, और फिर वहाँ से टर्न ले करके सिमडेगा होते हुए रांची निकलेंगे। तो ये पहला प्लान है, उसके बाद फिर अब देखना है कि रांची के साइड से जाए या पतरातू के साइड से जाए हजारीबाग। तो अभी कुछ ऐसा प्लान है, देखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और सुबह के अभी 6:15 हो रहे हैं, और 642 किलोमीटर कल ही चला लिया था, मतलब 640 कल चला लिया था ऑलरेडी गाड़ी हमने, और 2 किलोमीटर अभी का। अब मैंने थोड़ा ग्लव्स उतार दिया है, पहन लूँगा थोड़ी देर में। और बढ़िया सा प्यारा सा सनराइज़ हो रहा है राइट साइड पे, सनराइज़ हो चुका है ऑलरेडी,
हम लोग लेट हो गए आज, तो कुटरा पहुंच चुके हैं हम लोग। वैसे यहीं से लेफ्ट लेंगे तो 200 मीटर आगे सी रांची। ओ फाइनली रांची के लिए रास्ता दिख गया हमें। ओ अपने एरिया में आ गए, ऐसा लग रहा है आने वाले हैं। हाँ फाइनली 2 दिन के राइड के बाद। वो कहते हैं ना कि आपकी करंट सिचुएशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बस उसी तरह से मेरा भी एक ड्रीम था कि काश मैं अपने बाइक लेकर इतनी दूर अपने होम टाउन आ पाता, और आज फाइनली वो दिन था जब ये मेरा एक ड्रीम पूरा होने वाला था। और आज मैं अपनी बाइक लेकर अपने होम टाउन पहुंचने वाला था, और इंटरनली मैं इतना एक्साइटेड था कि वो मैं बता नहीं सकता। बस इस राइड से एक ही बात मैंने सीखा कि अगर कुछ ठान लो और उस पे पूरे मन से लग जाओ तो वो ज़रूर पूरा होता है। और ये सिंगल लेन है, अब इसी रूट से हम रांची जाएंगे सिमडेगा होते हुए। हाँ अभी झारखंड एंट्री हुआ नहीं है, ये बस एक बोर्ड था यहाँ पे कि रांची जाने के लिए ये रास्ता है। अभी हम उड़ीसा में ही हैं, आई थिंक झारखंड में एंट्री कर चुके हम लोग। मुझे लगा था शायद कोई चेक पोस्ट वगैरह होगा। हाँ ये देखो मुर्गों की गाड़ी आ रही है भाई, मुर्गियाँ हैं, पकड़ ले क्या? हाँ जितने सब्सक्राइबर है वो सबका हो जाएगा, एक एक मुर्गी। सो अब हम लोग रांची भी पहुँचने वाले हैं, एंड एक छोटा सा ब्रेक लिया है हमने अभी यहाँ पे, क्योंकि धूप गर्मी सी हो रही है, तो सोचा एक ब्रेक लिया जाए यहाँ पे। थोड़ा ज़्यादा पेड़ थे, दिखाता हूँ एक बार। टोटल हमने 200 किलोमीटर के आसपास कर लिया है ना कवर, मोर देन 200 किलोमीटर। अब यहाँ से रांची 40-50 किलोमीटर अराउंड है, 45 के आसपास। हाँ तो ऐसे ही कुछ है। हाँ तो बहुत थक चुके हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा रास्ता नहीं है, मतलब हाँ, मतलब उड़ीसा के बाद थोड़ा मतलब वन वे आना, तो सीधा रांची में रुकेंगे हम लोग। नहीं रांची नहीं जा रहे, रांची नहीं जा रहे हम लोग, पतरातु वैली होते हुए हजारीबाग जाएंगे, क्योंकि रांची घुसना इज मतलब थोड़ा हमें लंबा पड़ेगा तो हम रांची हाँ, और सिटी में थोड़ी मतलब ट्रैफिक ज्यादा होती है, तो हम रांची होकर नहीं जा रहे, पतरातु वैली होकर के जाएंगे। तो निकला जाए यहाँ से अभी, सिटी घुस के कोई फायदा नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी प्लस हमारे लिए लंबा होगा, तो हम पतरातु निकल लेंगे। वाओ कितना सही लग रहा है ये। काफी सही है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से ये वैली आपको ना एकदम हार्ट के शेप में लगेगी, दिखाऊंगा वो वाला पॉइंट मैं। हाँ हार्ट रोड, यस हाँ पतरातु डैम हार्ट रोड, मस्त है, परफेक्ट। आई थिंक दिस इज द व्यू पॉइंट है ना, ये व्यू पॉइंट है ना। तो यहाँ रोका जाए। धूप तो काफ़ी है बट कोई बात नहीं, रोकते हैं 2 मिनट है ना। आराम से पतरातु पहुँच गए हम लोग, एंड ड्रीम कम्स ट्रू, एक ड्रीम पूरी हो गई फाइनली, मैं बाइक लेके आ गया एंड बस पहुँच ही गए ऑलमोस्ट।
और झारखंड में धूप की वजह से सूखा हुआ है, पर बारिश में वो बहुत सही जाता है। आपको दिखाते हुए ऐसा बना हुआ है ना जैसे हार्ट के शेप का। तो फाइनली ड्रीम कम्स ट्रू। तो यहाँ से सीधा घर को निकलेंगे, पहुँचने वाले हैं कुछ किलोमीटर का एरिया है। हाँ, तो थोड़े थोड़े बैंड बज गया है हमारा, बाकी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि कितने का पेट्रोल डलवाया एंड कितने की एवरेज दी बाइक ने। तो और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा राइड का, तो बने रहे वीडियो में बताते हैं। फाइनली हजारीबाग पहुंच गए हम। यस, टाइम हो रखा है 1:49 और हजारीबाग एंट्री कर चुके हैं हम। काफ़ी अच्छा लग रहा है, फाइनली मज़ा आ रहा है। यस, मिलते हैं घर पे आपको। अभी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा मिठाई विठाई भी खरीद लूँ, टाइम लगेगा। सो मिलते हैं घर पे आपको। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। सफर काफी बढ़िया रहा, इतना ज्यादा थक गए हैं कि पूछो मत। और अच्छा खासा क्रूज किया है इस वाले राइड में मैंने, मतलब 90, 100, मोर देन 100 कभी। तो क्रूजिंग भी काफी बढ़िया किया, बाइक ने तो परफॉर्म किया जबरदस्त। ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था और घर आने के बाद सारे लोग खुश हो गए। हम लोग भी बहुत खुश थे, रिलैक्स थे कि फाइनली घर पहुंचे, क्योंकि जब तक घर भी पहुंचे जब तक थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था यार पहुंच जाए, सही से पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। ओवरऑल अच्छा था हमारा सफर, बहुत अच्छा रहा, मजा आया। घर वाले सब मतलब कोई बिलीव नहीं कर रहे थे कि हम लोग मतलब बाइक से यहाँ तक आ गए एग्जैक्टली, बट एट द एंड फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। एंड अब आस पास का यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि ये जो हमारा एयर सीट है ये कितना कारीगर रहा, तो श्रेया बताएगी क्योंकि यही बैठ के आई है। नहीं, फाइनली सच में ये बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहा है, क्योंकि पहले 600 मैंने इसके ऊपर ही राइड की, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार हटा के देखते हैं, शायद ये मतलब शायद कुछ ये काम नहीं कर रहा, मुझे ऐसा पहले फील हुआ। फिर मैंने 200 किलोमीटर जब हम लोग गए तो इसके बिना गए, तो मुझे फिर पता चला कि मेरे बैक में इतना पेन स्टार्ट हो गया उस 200 किलोमीटर में सिर्फ, और मेरे कमर में भी दर्द हो रहा था, मेरे बैक नेक में भी पेन हो रहा था। फिर मैंने दोबारा से जब ये राइड स्टार्ट किया हमने नागपुर से उड़ीसा के लिए, तो उस टाइम पे 600 किलोमीटर में इस पे आई और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं इतने लंबे सफर करके आ रही हूँ। फाइनली मैंने इसको बोला यार तुम अपने लिए भी एक ले लो जाने से पहले। एट द एंड मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं एक और ऑर्डर कर लूंगा। तो ये सीट का मैंने बता दिया, बाकी और भी चीजें कहा था मैंने कि मैं बताऊंगा लाइक कितना टोटल किलोमीटर हुआ एंड बाइक ने कितना पेट्रोल पिया। तो जो टोटल राइड हमने किया वो 1806 किलोमीटर्स का किया एंड बाइक ने जो हमें एवरेज दी वो 37 के अराउंड दी। तो यू कैन इमेजिन कि बाइक हमारा फुली लोडेड था विथ अ पिलियन, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बाइक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस तो खैर दिया ही दिया, प्लस माइलेज भी काफी बढ़िया दिया। तो ये तो हो गई बाइक ने कितना पेट्रोल पिया एंड हमने कितना किलोमीटर चलाया। रह गई बात जर्नी की, तो यार घर पे पहुंचने के बाद कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था कि हम लोग बाइक से आ चुके हैं, ठीक है। और काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा राइड करके, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली अभी तक और हमें
मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि हम मोटिवेट हो गए और लंबे लंबे राइड लगाने के लिए। हाँ, अब छोटे छोटे राइड में वो मजा नहीं आएगा ऐसा लगा। बहुत अच्छा अच्छा, मतलब हमें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत मजा भी आया। और अभी बहुत जल्दी हम लोग सोच रहे कि जल्दी और थोड़ा कहीं और भी जाए, लंबे राइड पे जाए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा एंड थैंक यू सबको रहेगा जिन लोगों ने हमारे इस राइड में हमें सपोर्ट किया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। और समय आ गया इस ब्लॉग को एंड करने का और ये सीरीज भी एंड हो रहा है पुणे टू झारखंड। तो उम्मीद है कि ये वाली पूरी सीरीज आपको पसंद आई होगी। पहले वाले दो वीडियो में तो आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, उम्मीद है कि ये वाली ब्लॉग भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर एंड कॉमेंट तो जरूरी है। मिलते हैं आप नेक्स्ट राइड पे, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।